अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर वैक्सीनेशन से कोरोना की तीसरी लहर पर ब्रेक कैसे लगाया जा सकेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद भारत में दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन की डोज मिल गई है उन्हें अगर कोरोना हुआ भी तो वायरस ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन वैक्सीन के बाद भी संक्रमण फिक्र को जरूर बढ़ा देता है। इसीलिए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि इन्फेक्शन के बाद शरीर में एक्टिव हुए एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा, क्योंकि कोरोना अपना रूप बदलेगा और हमें इसकी तैयारी करनी ही होगी, वैक्सीन को भी अपडेट करते रहने की जरूरत है। राघवन ने यह भी कहा कि कोरोना की पहली लहर दो फैक्टर की वजह से कम हुई, जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी लेवल हुई, इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के उपायों में जैसे ही ढिलाई शुरू हुई वैसे ही संक्रमण बढ़ता गया। देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक और संदेह को साफ किया। उन्होंने यह बताया कि दूसरी लहर में कई फैक्टर थे जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी एक फैक्टर के रूप में है। दूसरी लहर इसलिए भी बड़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी हुई थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। वायरस का म्यूटेशन इस तरह आएगा इसका भी अनुमान नहीं था। म्यूटेशन के साथ वायरस के फैलने की क्षमता भी बढ़ी। जहां इम्यूनिटी थी वहां वायरस को घुसने का मौका नहीं मिला, तो वायरस ने रूप बदला और कम इम्यूनिटी वालों को संक्रमित किया। इसीलिए वैज्ञानिक और डॉक्टर वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करने की बात कह रहे हैं। अब विश्लेषण करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा है कि जो आज हर मां बाप को डरा रहा है। कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो मां बाप कैसे क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे, सरकार का प्लान क्या है? वाकई ये बड़े फिक्र की बात है। आइए देखते हैं कि बच्चों को लेकर इतनी घातक क्यों हो सकती है ये बीमारी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और संक्रामक रोगों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस संबंध में जल्दी कोई कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को ही इस समय कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। हम डॉक्टर कम्युनिटी को भी लगता है कि आगे आने वाली थर्ड वेव 1 महीने 2 महीने 3 महीने में भी कभी आ सकती है, और इस बार ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि जिस भी पॉपुलेशन में वैक्सीन नहीं लगी है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगी। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कोरोना का नया संक्रमण भले ही बच्चों में किसी भी तरह की गंभीर समस्या पैदा नहीं कर रहा हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो फिर बच्चों के लिए खतरा होगा। बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन की जरूरत आ गई है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी ख्याल रखना है। इसके बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें, हम सब लोग बिना मतलब बाहर ना जाएं, और दूसरा बच्चों को भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बच्चों को शामिल करने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में देश को अभी 16 करोड़ वैक्सीन लगी है, अभी हमको करीब 55 से 60 करोड़ वैक्सीन और चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्व में कहीं भी बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी तो फिर भारत में कैसे आएगी? तो आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहा अमेरिका अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अगले सप्ताह से 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने की इजाज़त दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी की माने तो अगले सप्ताह या उससे भी पहले बच्चों के लिए टीके की 2 डोज की अनुमति मिल सकती है। इस फैसले पर अंतरिम मुहर लगने से FDA फेडरल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाएगा और उसमें 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए टीका लगाने की सिफारिश करेगा।
आपको बता दें कि अमेरिका में 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों को पहले ही टीका लगाया जा रहा है। और अब फाइजर कंपनी का दावा है कि 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर ट्रायल किए गए। 31 मार्च 2021 को कंपनी ने बताया कि वैक्सीन बच्चों पर 100% इफेक्टिव है। मार्च महीने में 6 महीने से 11 साल के बच्चों पर भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के पहले फेज में कंपनी ने बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा है, 6 महीने से 2 साल, 2 से 5 साल और 5 से 11 साल के बच्चों का ट्रायल। सबसे पहले 5 से 11 साल के बच्चों के लिए डोज तय किया जाएगा। फाइजर का दावा है कि सितंबर तक ट्रायल्स के नतीजे मिल जाएंगे। अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी ने भी ट्रायल्स शुरू किए, संभव है कि नतीजे जुलाई तक आ जाएंगे। लेकिन भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता पर अभी संशय बरकरार है। भारत बायोटेक कंपनी ने फरवरी में ही ट्रायल्स के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन ड्रग रेगुलेटर्स अथॉरिटी ने उसे नामंजूर कर दिया। कहा कि पहले बड़ों पर इफेक्टिवनेस साबित करो, लेकिन अगर विश्व में कहीं भी बच्चों पर वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो वो भी भारत के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि संभव है कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए उन देशों को भी भारत का रुख करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ही वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।